अस्सलामुअलैकुम भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का एक न्यू एपिसोड, एक न्यू ब्लॉग के अंदर। जैसा कि आप लोग कुछ तब्दीली मेरे अंदर देख रहे होंगे और आप लोग हैरान हो रहे होंगे, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। जो पिछले हमारे कुछ ब्लॉग्स हैं उसमें आप भाई का हुलिया देख सकते हैं, और इस बार भाई ने अपना हुलिया कर दिया बिल्कुल चेंज। तो आपके भाई ने भाई कल कटिंग शटिंग करा ली है, कटिंग का ब्लॉग मैं बना नहीं सका था क्योंकि मैं कुछ जरा और भी एक दो जगह जाना था, मसरूफ था, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से नहीं बना सका। तो अब जो है भाई का फाइनल लुक आज ये है माशाल्लाह। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसा लग रहा है आपका भाई। चलें लोगों की राय लेते हैं इस बारे में। ओके, क्या तो आज हम मौजूद हैं भाई अरबाब भाई के साथ। अरबाब भाई जो हैं हमारे, उनके भी इतने लंबे लंबे माशाल्लाह, बल्कि नहीं इतने लंबे लंबे बाल थे और बेहतरीन बाल थे, उन्होंने भी बाल कटवा दिए। अब उनसे लेंगे हम क्या लेंगे, कमेंट उनके लेंगे कि वो कैसे लग रहे हैं और मैं कैसा लग रहा हूँ। बताइए अरबाब भाई, आप तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन मैं अपनी तारीफ भी तो नहीं छोड़ूंगा ना। तो नहीं, लेकिन आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, आप भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, कल तक आपके यहाँ तक बाल थे और आपके भाई के भी यहाँ तक थे, आज दोनों के बाल ऊपर ही ऊपर हैं। आज बड़ी हवा फील हो रही है। अच्छा ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी जब जा रहा था ना, मैं बाइक चला रहा, चारों तरफ से हवा लग रही यार। पहले तो हवा का नाम निशान नहीं था, सर पर हवा ही लगती थी, अब चारों तरफ से हवा लग रही है। अब ये कि जब मैं ऑफिस आया सुबह तो हर बंदा परेशान हो गया, हर बंदा मुझे देख रहा, हर बंदा तारीफ़ कर रहा है कि यार आप अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने ये बात ज़रूर बतानी है कमेंट करके कि आपका भाई कैसा लग रहा है, वो वाला लुक सही था या ये वाला लुक सही था। मेरा ख्याल है ये वाला लुक ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप लोगों की राय जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप भाई बताइए, फिर और बताइए और क्या सुनना पसंद करेंगे, और कुछ भी सुना दें आप। यार मैं तो यही कहूँगा कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल चाह रहा है। हाँ, बनने का दिल चाह रहा था। ये इन्होंने बात बिल्कुल सही की है, इंसान को वही करना चाहिए जो उसका करने का दिल चाह रहा हो। जी हाँ, आप ये बताएं कि आपको घर वालों ने कैसे वेलकम किया। मेरे तो घर वाले इतना खुश हो गए थे, मतलब मेरी तो अम्मी ने इतनी दुआएं दी, मुझे इतना प्यार किया अम्मी ने, अबू ने, सब ने मुझे बोला बहुत प्यार लग रहे हैं, मेरे बेगम सब बड़ा खुश हुए। अच्छा मेरे बच्चे जो हैं, वो मेरे बच्चे मुझे पहचान ही नहीं रहे थे, मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि बच्चे नहीं पहचान रहे मुझे। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? यार ये तो बड़ा मज़े का सीन होता है कि मेरा बेटा जो है ना, वो इतना हैरान हो गया था कुछ देर के लिए कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब्बा चेंज कैसे हो गया। सेम ईयर मेरा बच्चा भी ना, वो हैरान हो गया कि यार तो ये क्या तो हो गया है कि आप एक लंबा अरसा जब इस तरीके से कोई अपना स्टाइल रखते हो और फिर चेंज कर दो तो लोग फिर है ना एक अलग कैफियत में आ जाते हैं, वो परेशान। कितने साल बाद आपने बाल कटाया? मैंने तकरीबन दो साल के बाद। सेम ईयर गाइस, पूरे दो साल मेरे पास स्टोरीज आ रही थी, मैं देख रहा था दो साल पहले भी आपके भाई की यहाँ पे ना चुटिया बनती थी, दो साल बाद आपके भाई ने बाल कटवाए, दो साल तक पैसा जमा किया है, बहुत पैसा जमा किया सिर्फ बाल ना कटवाने से। तो ये कि ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है ना। एक छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों को दिखाया था, असल में ऑफिस से सब बिजी हैं, नहीं तो मैं आपकी सबकी राय आप लोगों को दिखाता। तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है वाला लुक बेहतर था या वाला लुक बेहतर है। इसी के साथ साइनिंग ऑफ मेजर ब्लॉग्स।